हेलो दोस्तों, आज थोड़े नाल एक फिर नवी वीडियो लेके हाजिर हुए हैं जो कि बाथरूम दे लई बनाई गई है। फिटिंग जो पाइप फिटिंग अपने बाथरूम लई कीती जांदी है उहदे लई दोस्तों ये वीडियो बनाई है। तो आ देखो दोस्तों, ये वीडियो है अपने डाइवर्टर मिक्सचर लग्या होया दोस्तों, कैरोविट कंपनी का जैकोवार कैरोविट जो भी लगाओ अच्छे डाइवर्टर ने। तो ये डाइवर्टर लग्या होया दोस्तों, ये देखो दोस्तों, ये नीचे तुहानू दो पाइपां नज़र आ रही होणगियां जो कि इहदे नाल आ के कनैक्ट हो रही ने। अपनी सज्जे पासे वाली जो पाइप है दोस्तों, ये हैगी अपने टैंकी दे पानी दी कोल्ड वाटर, ते दूसरे पासे जो नज़र आ रही है तुहानू पाइप, ये दोस्तों हॉट वाटर है जो कि गीजर का पाइप आ। ये जाके दोनों इहदे नाल दोस्तों कनैक्ट हो चुकिया ने। तो उस तो बाद डाइवर्टर दे नाल उपर पाइप जो कनैक्ट किया गया है वो शावर लई दोस्तों जोड़ा गया जो कि हैड शावर लगेगा। तो इतों दोस्तों ये हड शावर ऑन होया करूगा। तो आ लग्या है अपना डाइवर्टर मिक्सचर, इनू आप अगर सज्जे पासे घुमावे तो दोस्तों थोड़ा टैंकी का पानी आऊगा, खब्बे पासे करांगे दोस्तों तो कल्ला थोनू हॉट वाटर मिलेगा। अगर इनू आप सेंटर दे विच उपर चकांगे तो दोनों दोस्तों दोनों पानी थोनू मिक्स हो के नीचे स्पॉट दे विच मिलेंगे। स्पॉट दे विच तुसीं अगर चाहो तो बटन स्पॉट भी लगा सकते हो जिस दे विच हैंड शावर नहाउण वास्ते यूज हुंदा, तुसीं ओह भी उस तों बाद ऑप्शन थोड़े लिए हो सकती है। तो दोस्तों दोनों पानी जिस तरह तुम दस्या स्पाउट के आने दोनों पानी सेम टू सेम दोस्तों हैड शावर के भी, अगर चाहो तो बटन स्पॉट भी लगा सकते हो जिस हैंड शावर नहाने वास्ते यूज हों, तुम भी उस तो बाद ऑप्शन थोड़े लिए हो सकती है। तो दोस्तों दोनों पानी जिस तरह तुम दस्या स्पाउट के आने दोनों पानी सेम टू सेम दोस्तों हैड शावर के भी आने। तो यह अपना डाइवर्टर मिक्सचर आ, ये इंस्टॉलेशन ने इहदियां। तो दोस्तों ये इधर अपने आ गया पीट राफ जो शीट लई पाया गया है, इंडियन शीट होंदी है दोस्तों अपनी। तो ये इसका सिस्टम पॉइंट हो गया दोस्तों। तो इधर आ गई अपनी शीट की टूटी, इतने टैप लग जाएगी, तो इधर दोनों ड्रेन आ गए दोस्तों। तो आ अपने पॉइंट दिता है इतने अपने वाश बेसिन वास्ते, इतने अगर छोटी जी पेनल्टी बनवानी हो सकती है वह भी बन सकती है दोस्तों, नहीं इतने आप वाश बेसिन लगा सकते हैं दोस्तों। थोनू हम दिखावांगे अपना खुरा जो कि वाशिंग एरिया होगा, छोटा जा वाशिंग एरिया दोस्तों। ये आ गया अपना वाशिंग एरिया जिते कि आप कपड़े धोया करांगे दोस्तों। आ टूटी अपनी आ गई जो कि अपने गीजर दी आ हॉट वाटर लई, ते आ अपना कोल्ड वाटर आ गया टैंकी का पानी दोस्तों। इहदा ड्रेन आ पिया, ते आ अपना मेन होल बन चुका, होदी बन चुकी आ 18x18 की होदी है दोस्तों। ते ये अपने आ गए गीजर दे आउटपुट ते इनपुट दोनों पॉइंट आ गए दोस्तों। इतने गीजर लग जूगा, ओपन एरिया है, गीजर दोनों प्रोविजन रखी गई, चाहे आप गैस वाला लगाइए चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक बिजली वाला लगाइए दोस्तों। ये अपना मेन हॉल जो कि अपनी होदी है, ये देखो दोस्तों, ये सारे तरह के पाइप देखो, उधरले बाथरूम बनया हुआ दोस्तों वो आ रहे हैं, ये तीन पाइप उधरले ने, तीन इधरले ने, तो इधरला दोस्तों जो बाहर जा रहे सीवरेज के। ये दोस्तों फस्ट फ्लोर के उत्ते कम आ, तो हम थोड़ा दिखावे नैक्सट बाथरूम। दोस्तों हम आप गल करेंगे सैकेंड वाशरूम की, जिस तरह तुम दोस्तों उधर देखा होगा अपने इंडियन शीट के पॉइंट रखे थे। तो दोस्तों इधर अपने जो शीट के पॉइंट ने इंग्लिश शीट आ, ये देखो दोस्तों शीट का मेन पॉइंट। तो उस तो बाद सर ये लग गया सर, ये अपने नीचे हैंड शावर ला लेना सर, लैंड शावर भी लग सकता अगर टूटी लगानी है, कई कस्टमर टूटी की इतने मंग करते हैं, इतने आप टूटी भी लगा सकते हैं। तो दूसरा ये अपना आ गया कंसील, ये जैकोवार का कंसील है, ये दोस्तों अपने जेट स्प्रे लिए यूज होगा। तो ये अपना आ गया वॉश बेसिन का पॉइंट, तो ये आ गया उसका ड्रेन दोस्तों। इतने भी आप वैनिटी रख सकते हैं अगर आपको जरूरत आ, वरना इंदा आप इतने छोटा जा वॉश बेसिन लगा सकते हैं। तो दोस्तों इधर आ गया अपने देखो, ये शीट का सिस्टम पॉइंट आ गया दोस्तों। तो ये सेम टू सेम जिस तरह उधर फस्ट बाथरूम के तुम दिखाया सीगा जैकोवार अपने कैरोविट का लग्या होया हाई फ्लो मिक्सचर, इस तरह सेम टू सेम दोस्तों ये लग्या होया उपर हैड शावर आ, इधर हाई फ्लो डाइवर्टर आदि स्पॉट आ गई, इतने भी आप बटन स्पॉट लगा सकते अगर हैंड शावर की कस्टमर मंग करे, ये बाद कुछ भी कर सकते दोस्तों। यदा हम दोस्तों ये दो बाथरूम अपने कंप्लीट हो गए, हम तुम दिखाने जो टैंकी के उत्तों आउटलैट तो इनलैट आ। हम दोस्तों आप गल करेंगे जो कि उपरों मेन वाटर टैंक के उत्तों जो कि अपनी सप्लाई डाउन सप्लाई नीचे आ रही ने, इनलैट जा रही है
दोस्तों आप पहले नंबर पर जो सप्लाई खड़ी है इधर किचन बनी हुई है दोस्तों, अपने किचन जो पानी दिता टैंकी का ये वो पॉइंट अपना दोस्तों, आ अपना फ्रैश वाटर जो कि टैंकी इनलैट का काम करेगा। तो दूसरों दोस्तों आ डाउन सप्लाई एक नीचे ग्राउंड फ्लोर के जाऊगी, तो आ अपने उधर जो दो वाशरूम बने बन चुके हैं दोस्तों, ये उन्होंने डाउन सप्लाई आ। हूँ दोस्तों थोनों वो देखो पाइपा जा रही ने, हम थोड़ा उधर किचन की अगला काम दिखा रहे हैं। हाँ अगर दोस्तों अपना किचन सैंक इतने स्लेब बन जाएगी, एक किचन सैंक आ एक टूटी इतने फ्रैश वाटर की लगा दी गई है, तो दूसरे पासे टैंकी का जो कोल्ड वाटर होगा। गीजर इतने कस्टमर कहना लगाना नहीं क्योंकि फ्रैश वाटर दे दिता गया, उधर फ्रैश वाटर है नहीं अपने, इसलिए दोस्तों आ रखे ने आप एक नवी चीज़ है दोस्तों। ये अपने लगया है पाइप लगया बिजली का 1 इंची पाइप आ विद दो वेंट ने सर, यदा मतलब ये आ अगर कल फिल्टर नीचे भी लगा सकते हैं अपना स्लेब दे उपर लगाना तो उपर भी लगा सकते हैं। ये जिस तरह एसी दे पाइप आप ब्लोअर किचन लिए काम करते हैं सर, ये दोनों पाइप नीचे आप ले आ सकते हैं क्योंकि फिल्टर के नाल जो एक्सट्रा बोटल्स होंगे ने वो आप नीचे लगा सकते हैं, क्योंकि कई कस्टमरस वो जब स्लेब किचन तैयार हो स्लेब वगैरह बन जाती उत्थे नहीं वधिया लगती है, इसलिए मैंने नीचे भी पॉइंट देता अगर नीचे फिल्टर लगाना तो नीचे भी लगा सकता, वो आउटलेट इनलेट स्पैब बिच निकल के काम करेंगे। ये दोस्तों अपनी किचन आ, तो हम थोड़ा दिखावे दोस्तों उपर अपने टैंकी का काम आ दोस्तों अपने जा रहे हैं उपर टैंकी कि पाइप, ये थोड़ा उपरों जाके दिखावे आप ये आ गए दोस्तों। आप लास्ट ये अपने अंदर दी हुंदे हुए पाइप इस जाके टैंक नाल कनैक्ट हो चुके हैं दोस्तों, ये अपना वाटर टैंक है जिस नाल सारे पाइप कनैक्ट हो चुके हैं। हम दोस्तों थानू नीचे दिखा रहे हैं इसकी ड्रेनिंग दिखा रहे हैं, उसके बारे भी थोड़े नाल गल कर रहे हैं। इत्थे दोस्तों ये लॉबी है अपनी, इहदे विच बहुत वधिया लकड़ का वैनिटी भी बन सकती है वॉश बेसिन, तो ये अपने दोनों पॉइंट दिते गए हैं बहुत वधिया इतने वैनिटी बन जूगी अगर वॉश बेसिन लगावे कस्टमर तो वह भी लग सकता। तो दोस्तों इधर नाल ही आ जाओ, ये खुरा बना दिता गया है, ये ओपन दे विच दोस्तों वाशिंग एरिया बना दिता गया अगर बालकोनी का काम करूगा, ये इतने वाशिंग एरिया बन गया, इतने भी फ्रैश वाटर से कोल्ड वाटर का टूटी लगा दी गई टैप लगा दी गई है, तो इतने एक ओपन दे विच वाशिंग एरिए का काम करूगा। हम दोस्तों थोड़े नाल गल करते हैं आपां एसी दी ड्रेनिंग दी, आ दोस्तों अपने एसी का ड्रेन पा दिता गया जिदे विच ड्रॉप ड्रॉप पानी का आता हुंदा, ये जाके अपने वाशरूम के अंदर अपने सीवरेज के पाइप नाल कनैक्ट कर दिता गया है, ये भी अपना एसी का ड्रेन जो होगा पा पानी होगा वह आऊगा। तो इस तरह ही दूसरे नैक्सट कमरे के दोस्तों सेम एसी का ड्रेन लिया के उधर सीवरेज पा दिता गया है, ये जाके उधर कनैक्ट हो चुका है। तो इतने अपनी दोस्तों वीडियो होंगी खत्म, मिलते हैं दोस्तों आप अगली वीडियो के नाल, ते अपने चैनल को सबसक्राइब करो ते बैल आइकन ते ओके करो ताकि थोनू मोर वीडियोस आने वाली अपडेट थोड़े तक पहुँचा सकी, नवी नवी अपडेट थोनू दे सकी। सो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के नाल, उम्मीद है थोनू वीडियो पसंद आएगी,